Hey, what's up guys, my name is Kabir and you are watching my channel Technical Wear. So guys, finally new WhatsApp desktop app available हो गई है Microsoft Store में, और आज इस वीडियो के अंदर उसमें क्या क्या नया आपको देखने को मिल जाता है, लेआउट कैसा है, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आपने मेरी WhatsApp से रिलेटेड मल्टी डिवाइस लॉगिन वाला जो फीचर आया था वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो कि WhatsApp बीटा अवेलेबल हो गया है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में। सिंपली आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने विंडो पीसी या लैपटॉप के अंदर, और उसके बाद अपने WhatsApp के मोबाइल से स्कैन करके लॉगिन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हो कि नया वाला कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है WhatsApp डेस्कटॉप ऐप, और ये पुरानी वाली व्हाट्सएप डेस्कटॉप ऐप है जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो गाइस, आप देख सकते हो दोनों का इंटरफेस या लेआउट कैसा देखने को आपको मिल जाता है। जो राइट हैंड साइड में वो न्यू वाली है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो ओल्ड वाली है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको इसमें क्या नया देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपली रीडिज़ाइन किया गया है ये चैटिंग वाले फीचर्स को। अगर मैं इमोजी पे क्लिक करूँ तो आप देखते हो कि न्यू वाले का कुछ इस तरीके से खुल के आता है, और बात की जाए ओल्ड वाले में तो ओल्ड वाले में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे फाइल अटैच वाला फीचर हमें देखने को मिलता है, इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है फाइल का और ड्राइंग का। अगर मैं ड्राइंग पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं कुछ भी ड्राइंग वगैरह कर सकता हूँ, और प्लस के आइकन पर क्लिक करके मैं फोटो वगैरह ऐड कर सकता हूँ। और इस पर अगर मैं अटैच पे क्लिक करूंगा तो आपको कुछ इस तरीके का नॉर्मल सा इंटरफेस जो आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलता है वही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस, बात की जाए अगर प्रोफाइल आइकन पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहां पे आपको ओवरव्यू देखने को मिल जाता है, जैसे आपको स्मार्टफोन में म्यूट वगैरह का फीचर देखने को मिलता है वैसे इसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है, और यहां से आप नोटिफिकेशन टोन भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेंट आप देख सकते हो, मीडिया आप देख सकते हो, फाइल्स, लिंक्स, इंस्क्रिप्शन सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। और काफ़ी अच्छे से इसे रीडिज़ाइन किया गया जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर ओल्ड वाले व्हाट्सएप डेस्कटॉप की बात की जाए तो इसमें आपको लेफ्ट साइड आइकन देखने को मिल जाता है, और अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का ओल्ड स्टाइल का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। लेकिन इसमें राइट साइड आइकन चला जाता है, उसमें काफी अच्छा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस, बात की जाए सेटिंग की तो सेटिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। आपको यहीं पर सेटिंग का आइकन देखने को मिल जाता है, जबकि ओल्ड वाले में आपको यहां पर तीन डॉट के अंदर सेटिंग का आइकन देखने को मिलता है। इसकी सेटिंग ओल्ड वाली है, कुछ बताने का कोई मतलब नहीं बनता, डायरेक्ट मैं न्यू वाली के बारे में बात करता हूं। सेटिंग पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पे जनरल का टैब देखने को मिल जाएगा, स्टार्ट व्हाट्सएप एट लॉगिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप इसे यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हो और अपने व्हाट्सएप से लॉग आउट भी कर सकते हो। इसके अलावा अकाउंट का फीचर देखने को मिल जाता है। इसमें यहाँ आपको काफ़ी अच्छे से रीडिज़ाइन किया गया है, सिंपली आप यहीं से सब कुछ चेंज कर सकते हो। चैट में जाने के बाद आप चैट को आर्काइव कर सकते हो, क्लियर चैट कर सकते हो, डिलीट ऑल चैट कर सकते हो। नोटिफिकेशन के सेक्शन में आपको टोन सेट कर सकते हो, और इसके अलावा ग्रुप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो। स्टोरेज में अगर आप चाहते हो कि जो चीज़ ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए उसे चेक या अनचेक कर सकते हो। हेल्प में आपको वर्जन वगैरह देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइज, अगर आप प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे तो आपको यहीं से अपने कॉन्टैक्ट को ईजिली सर्च कर सकते हो, लेकिन ओल्ड वाले में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था और ओल्ड वाले में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता था। तो गाइज, इसके अलावा ओल्ड व्हाट्सएप डेस्कटॉप के अंदर आपको स्टेटस का फीचर देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी जो न्यू व्हाट्सएप फॉर डेस्कटॉप आया बीटा में है इसके अंदर अभी आपको स्टेटस का फीचर देखने को नहीं मिलता है। अभी ये बीटा में है, जब फाइनल रिलीज होगा मे बी आपको यहाँ पे स्टेटस का फीचर भी देखने को मिल जाए, जिससे आप दूसरों का स्टेटस देख सके। तो गाइस, ये वीडियो था न्यू व्हाट्सएप डेस्कटॉप ऐप फॉर विंडोज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।